रेल की पटरी की तरह दोनों परंपराएं चलती हैं साथ साथ समानांतर। कौन पहले कौन बाद में ये विषय नहीं होता है, यह जीवन की वही यात्रा है जहां श्रमण और वैदिक परंपरा सदियों सदियों चला करती है। उस परंपरा का अनूठा संगम यहां पर हो रहा है। बहुत दिनों से था कि बागेश्वर धाम सरकार जिनसरणम की सरकार में पधारे। कई बार संवाद हुआ है, वार्तालाप हुई है। इतनी सी कम उम्र में पूरे हिंदुस्तान में छा जाना ये बच्चों का काम नहीं हुआ करता है। मैं उनके आने पर उनका बहुत आत्मीयता व्यक्त करता हूँ। राजराजेश्वर जी का परिचय बहुत पुराना है, आत्मीय संबंध है उनसे। मैंने कहा इतनी बड़ी प्रतिष्ठा और आप नहीं आए, अरे जहां महाराज हो वहां राज भी होना चाहिए। तो राजराजेश्वर जी पधारे, स्वामी घनश्याम दास जी स्वामी नारायण संप्रदाय से। कितना सुंदर ये दृश्य यहाँ पर लग रहा है, यहाँ दिगंबर है वहां पीतांबर है रक्तांबर है श्वेतांबर है, सारे अंबर इसी धरती पर उतर करके आ गए हैं। ये है हमारे हिंदुस्तान की पहचान, ये है हमारे भारत देश की पहचान। लेकिन एक पहचान और है हमारे देश की कि जब भी कोई अतिथि आता है ना वह देवता के समान हुआ करता है। मैं श्रीमान निर्मल जी जैन जो अध्यक्ष हैं इस तीर्थ क्षेत्र के, कल्पना जी गोधा वह आए, और हमारे धीरेन जी शास्त्री बागेश्वर सरकार का पुष्पहारों से स्वागत करें सम्मान करें। तुरंत आइए निर्मल जी कल्पना जी गोधा। राजराजेश्वर जी सनातन धर्म भूषण का भी यहाँ पर पुष्पहारों से अभिनंदन करें। स्वामी घनश्याम दास जी स्वामी नारायण संप्रदाय से, उनका भी निर्मल जी अभिनंदन करें। और निर्मल जी के पुत्र निशांत, दोनों पुत्र आ जाएं। और एक पुस्तक का संत बागेश्वर जी से विमोचन कराएं। आइए राजराजेश्वर जी और बागेश्वर जी दोनों ही इस कृति का विमोचन करेंगे। थोड़ा साइड हो जाए, पब्लिक भी देखे। थोड़ा इधर जा सिद्धि, साइड साइड में। यह आवश्यक क्रिया संपन्न हुई और यह पुस्तक, विनोद जी आए इसका भी विमोचन। हमारे प्रणाम सागर जी आचार्य भक्तांबर वाले बाबा, उनकी कृति का भी यहाँ पर विमोचन हो रहा है। मैं इस मांगलिक क्रिया के उपरांत संत बागेश्वर जी से आग्रह करूंगा कि हमारे गुरुदेव आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज, गणाधिपति गणाचार्य आचार्य पुष्पदन सागर सूरीश्वर महाराज, जिनने हमारे जैसे कई पत्थरों को तराशा है, जगत के सामने रखा है, बहुत दूर से 1500 किलोमीटर से चलकर इस तीर्थ यात्रा के लिए वह यहाँ पर पधारे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए।
करपात्री पद विहारी दिगंबरों का स्वरूप हुआ करता है। धरती बिछाना आकाश ओढ़ना हमारी चर्या होती है। नग्न दिगंबर बाना दसों दिशाएं हमारे वस्त्र हुआ करते हैं। ऐसे गुरुदेव जो अपनी साधना से जगत का कल्याण करते हैं, मैं चाहूंगा कि बागेश्वर जी गुरुदेव के थोड़ा निकट आए। वह अपना वात्सल्य आप में उड़ेलना चाहते हैं, वात्सल्य भाव प्रकट करना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि आप भी छतरपुर के हैं और हमारे गुरुदेव भी छतरपुर के हैं। उनका पैतृक नगर छतरपुर ही है। दोनों ही बुंदेलखंड की माटी को सुगंधित कर रहे, महका रहे हैं। जब संत और संत आपस में मिलते हैं तो अध्यात्म आकाश की ओर चलता है। ज्ञात होना चाहिए, गौतम गणधर जब भगवान महावीर के चरणों में गए तो गणधर बन के वहाँ रह गए। आज मैं आनंदित हूँ, आज यहाँ ये आए हैं। और ये है आपके लिए, और ये है ये जो लिखते हैं जो पढ़ते हैं, मेरी आत्मीयता इनके साथ है। महाराज जी, बल्लभ सागर जी महाराज बहुत गहराई से बोलते हैं और बड़े समर्पण से, और आज उनके स्नेह ने इनको यहाँ बुलाया। ऐसा लगता है माझी और नाव जब मिल जाते हैं तो सागर की तरंगे उछाल मारने लगती हैं। यही है यहाँ पर। मैं आनंदित हूँ, आप भी आनंदित हैं। और जब दो संत मिलते हैं तो भारत का भाग्य जागता है, भारत की संस्कृति जागती है। इसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं आनंदित हूँ। और कई बार इनके हाथ से मेरे पास संदेश आया था, आए भी थे, लेकिन उस समय मैं बिजी था और इन्हीं के पास में ही था, इनका कार्यक्रम चल रहा था। तो मैंने उनसे कहा था अभी आप मुझे मत बुलाएं, क्योंकि मैं भी यहाँ बिजी हूँ, वो भी वहाँ बिजी हूँ, अगर दोनों फ्री हो तो दिल से दिल की बातें होने शुरू हो सकती हैं। इस तरह से गुरुदेव का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। चलिए भाई, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, प्रणाम सागर जी से चर्चा की, मुझसे भी कुछ ले जाओ क्योंकि हमारा तो दरबार ही देने का है और मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। गुरुदेव का हाथ लगवाकर इसे पवित्र करते हुए आपके ओमकार की साधना का यह यंत्र प्रदान करें। देखो जिन शरणम में बरसे बहार। राजे राजेश्वर जी आप भी पधारे, आप भी गुरुदेव से पहले मिल चुके हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। देखो जिन शरणम में बरसे बहार, आकर तो देखो जरा एक बार। देखो जिन शरणम में बरसे बहार, आकर तो देखो जरा एक। घनश्याम स्वामी जी पधारे। ये एक ओमकार ऐसा है जो देश के सभी संप्रदायों को एक कर दिया करता है। ओम से बड़ा कोई ईश्वर नहीं होता है, ऐसे ओमकार स्वरूप यह ओम मैं आपको प्रदान करूं। के जैसे बजे कोई वीणा सितार, आकर तो देखो जरा एक
अब हम चाहेंगे कि हमने अपनी आत्मीयता, अपना वात्सल्य लुटा दिया है, स्नेह लुटा दिया है। हजारों लोग यहां पर बैठे हैं, इस दृश्य को नयन पथगामी बनाने के लिए मैं चाहूंगा, और कितने सौम्य हैं, भोले हैं देखने में, वैसे भी होंगे, मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन लगता है ये मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है, चलते रहेगा चलते रहेगा। इस देश और धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए संत आपस में मिलते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि माइक संत बागेश्वर जी के सामने उपस्थित किया जाए, ताकि उनकी वाणी दूर दूर तक लोगों के जो कान लालायित हो रहे हैं सुनने के लिए अपनी वाणी के मोती बिखेरें, ताकि ये सभी लोग उन मोतियों को अपनी भावनाओं का हार बनाकर अपने हृदय में धारण करें। बाकी सब पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री बागेश्वर सरकार महावीर के इस मंच पर, ऋषभदेव पारसनाथ के मंच पर अपनी भव्य दिव्य संस्कृति को मुखरित करेंगे। राम गजाननम भूति गडादि सेवितम कपित्ति जंबो फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पदी कृत बारीसम मस्की कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता मुनि महात्मा मनुष्य न जानिए यह सब हैं नंद किशोर बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर डले रहो दरबार में कौन से दरबार में जिन शरणम तीर्थ के दरबार में महावीर के दरबार में और इतना ही नहीं भगवान पार्श्वनाथ के दरबार में और भगवान श्री इन मुनियों के दरबार में जिनके दरबार में आने से खाली झोली भर जाती है तो डले रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ और धक्का भर नहीं धक्का मुक्का धनी के खाओ एक दिन ऐसा आएगा तो मैं धनी हो जाओ। अच्छा लेकिन धनी कौन सा आप सोचोगे जो है पैसा वाले धनी नहीं हमारी मीराबाई कहती पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने ऐसी मीराबाई के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को प्रणाम करते हुए अपने आराध्य आचार्य चरण पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को प्रणाम करते हुए महाराष्ट्र की पावन धरती आज गदगद है। गदगद इसलिए है कि महाराष्ट्र की धरती पर एक नया इतिहास लिखा गया गढ़ा गया है जहां जिन शरणम पावन तीर्थ
कि आज महामहोत्सव की झलकियां गगन भी देख रहे, दिगंबर भी देख रहे, श्वेतांबर भी देख रहे, पीतांबर भी देख रहे, नीलांबर भी देख रहे और हमारे जैसे रक्तांबर भी देख रहे हैं। तो धन्य है महाराष्ट्र की धरती, ये भूमि धन्य है जहां दो दो देखो परम पूज्य महाराज जी के पूज्य गुरुदेव। अब नाम लेने में हमारी धृष्टता होगी, हमारी आयु छोटी है, बुद्धि छोटी है, ज्ञान छोटा है और छोटी मोटी नदियां बड़े बड़े सागर से भिड़ा नहीं करती हैं। तो पूज्य महाराज जी के गुरु जी जो हमारे ही बुंदेलखंड के हैं और महाराज जी से मिलवे के बाद हमें ऐसा लगो कि अब हम अपने ही घरे आ गए। अच्छा सुनो, 100 दंडी 1 बुंदेलखंडी, कोई साधारण नहीं होते बुंदेलखंडी। ऐसे पूज महाराज जी के महाराज जी आचार्य चरण पूज मुनि जी महाराज जी जो 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम सबको आप सबको कृतार्थ करने के लिए अपने तपोबल से, सिद्ध बल से, ज्ञान बल से, बुद्धि बल से, विद्या बल से हम सबका कल्याण करने के लिए यहाँ पर अवतरित हुए, विराजमान हुए, पधारे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। अच्छा, एक आचार्य गद्दी तो लगी है बगल में, देखो गुरु और शिष्य तीन तीन पीढ़ियां जहां बैठी हों, नीचे आप महाराज जी के, हम महाराज जी के कृपा पात्र, महाराज जी जिनके कृपा पात्र वो वहां विराजमान है। तीन तीन गद्दियां एक साथ जहां लगी हों, तीन तीन पीढ़ियां जहां एक साथ बैठी हों, समझ जाओ भूत भविष्य वर्तमान तीनों सुधर जाने वाला है। तो परम पूज्य आचार्य चरण श्री मुनि जी श्री पुलक सागर जी महाराज जी के चरणों में भी नाक रगड़ कर प्रणाम करते, पूज्य महाराज जी के चरणों में भी नाक रगड़ कर प्रणाम करते। हमारे बगल में ज्येष्ठ भ्राता लंदन में भी राम नाम का बंधन कराने वाले श्री राज राजेश्वर जी भी विराजमान हैं, उनको भी सीताराम। उनके बगल में स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक और स्वामी नारायण संप्रदाय की परंपरा का निर्वाहन करने वाले पूज्य महाराज जी भी विराजमान है, उनको भी श्री सीताराम। और जितने भी प्रियजन महाराज जी जब बोल रहे थे तो बड़े बड़े अध्यक्षों के नाम बता रहे थे, तो बड़े बड़े अध्यक्ष आ रहे थे, कोई फूल माला दे रहा था, कोई माला दे रहा था, कोई किताब दे रहा था। अब इतने अध्यक्ष आ गए कि नाम लेने में हमें फिर टेंशन हो जाएगी, एक अध्यक्ष का ले लो तो दूसरा नाराज ना हो जाए। इसलिए जितने भी सन्मुख सामने जो जहां विराजमान, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोगपानी, सबको सीताराम में मान करके हम प्रणाम करते हैं। और जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, हरे हरे महा। आज हमारा सौभाग्य जागा। देखो रामायण में दो पंक्तियां हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, लेकिन दूसरी जगह दूसरी चौपाई लिख दी बिन हरि कृपा मिलह नहीं संता। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि हमें संत मिल गए, अब हम ये निर्णय कैसे करें कि पुण्य से मिले हैं या भगवत कृपा से। तो बड़ी अद्भुत दया की तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा गुरु कृपा से तुम संत के पास चल कर जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, लेकिन संत चल करके तुम्हारे पास आवे तो समझना भगवान की कृपा हुई है। तो पूज्य महाराज जी के गुरु जी 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आए हैं, तो ये हम लोगों के ऊपर भगवत कृपा है कि दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारी आंखें तो आज गदगद हैं, अब सागर के सामने ये नदी बोले क्या, जिनके नाम के पीछे ही सागर लगा हो, जो ज्ञान में भी सागर हो, बुद्धि में भी सागर हो, हमारे जैसा अकिंचन बालक, हमारे जैसा साधारण बालक क्या पुष्पांजलि, वाक्य पुष्पांजलि चढ़ा सकता है, क्या वाक्यों को अर्पित। लेकिन कई बार शिष्य को, कई बार बच्चे को, कई बार मित्र को, कई बार अच्छे जो है सहयोगी को अपने, कई बार दास को स्वामी के सामने, शिष्य को गुरु के सामने, पुत्र को पिता के सामने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए प्रमाण पत्र लेने के लिए। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको जिन शरणम पंचकल्याण महामहोत्सव में आने का हनुमान जी की कृपा से, पूज्य महाराज जी की आज्ञा थी,
आज्ञा को हम कैसे टाल सकते हैं, ऐसा दुराग्रह तो हमारे अंदर हो ही नहीं सकता। तो बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च तक महाकुंभ लगने वाला है, लगभग 30 लाख लोग आने की तैयारी चल रही है, कन्या विवाह महोत्सव है और हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी जा रही है। लेकिन हमने कहा कि अब चाहे जो हो जाए, सो कल था मंगलवार और कल था दरबार, दिन भर हमने भभूति बांटी, फिर भूत भगाए, सो रात के बज गए 3, हमारी बज गई 3, बड़ी मुश्किल से 4 बजे भोजन मिले और 4 बजे प्रसाद पाया। अब हमने कहा अब सोए का सुबह से जाना है, लेकिन तब तक शरीर, बोलो बुढ़ापे को शरीर हमारा, बोलो कि नहीं 2-3 घंटा सो लो, सो कब 9 बज गए सोते सोते पता ही नहीं चला, 2-3 घंटा सोने को मिला। पर जल्दी जल्दी पूजा पाठ करके हनुमान जी को प्रणाम करके चले, जब चील गाड़ी से उड़े तब यहां पहुंच पाए। लेकिन आज महाराष्ट्र में सनातनीय संस्कृति का वह परचम लहरा गया जहां पर जैन का अर्थ, मेरे पागलों मेरे प्रियजनों आप स्मरण रखना, जैन का अर्थ सीधा स्पष्ट है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वही जैन है। जिन्होंने आहार पर शुद्धि, जिन्होंने व्यवहार पर शुद्धि, जिन्होंने अपने जीवन की शुद्धि, जिन्होंने तन की पवित्रता के साथ साथ मन की पवित्रता कर ली, उन्हीं का नाम जैन है। और ये कहते हुए हमें गौरव है कि हम उस भारत के रहने वाले हैं और हम उस परंपरा के रहने वाले हैं और हम उस परंपरा के साथ बैठे हुए हैं जहां पूरी दुनिया में जाने पर जब हमें भोजन की दिक्कत जाती है तो हम भी हवाई जहाज में मुस्कुरा करके कहते हैं कि हमें जैन मील, अगर जैन भोजन मिल जाए तो क्या कहना। ये हमारा और पूरे भारत के लोगों का सौभाग्य है। और मेरे प्रियजनों और भारत के सनातन के लोगों, कभी किसी के बहकावे में मत आना, जैन परंपरा और सनातन परंपरा दो नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर नहीं है, जैसे जल और जल की धारा में अंतर नहीं है, जैसे मीठा और मीठा के मिठास में अंतर नहीं है, जैसे गुरु और गुरु के शिष्य में अंतर नहीं है, वैसे ही सनातन और जैन परंपरा में भी अंतर नहीं है। जिस प्रकार कोई मीठा मीठा से मिठास अलग नहीं कर सकता, जिस प्रकार कोई नदी की धारा से धारा अलग नहीं कर सकता, सूर्य की रोशनी से रोशनी अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई सनातन परंपरा से जैन परंपरा को भी अलग नहीं कर सकता। ये वही परंपरा है जो श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत परम तपस्वी एकनिष्ठ महात्मा प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी महाराज के पावन चरित्र को गाया जाता है। पूज्य श्री ऋषभ देव जी महाराज, जिनके सामने सभी सिद्धियां खड़ी हो गईं, पर धन्य है जैन मुनि, धन्य है भारत के जैन परंपरा के प्रवर्तक महात्मा, मुनि से महात्मा बनते हैं और महात्मा से वो परमात्मा की यात्रा करते हैं। धन्य है जो त्याग करते, वस्त्रों का त्याग नहीं, अपने जीवन की प्रत्येक कामनाओं का त्याग करते हैं। मेरे पागलों याद रखना, भारत के लोगों, भारत में कच्चा त्यागना तो सस्ता है, इच्छा त्यागना बहुत महंगा है। लेकिन हम उस परंपरा के साथ बैठे, हम उस परंपरा के बगल में बैठे आज, और महाराष्ट्र की धरती पर पूरे भारत के हिंदुओं को जगाते हुए और जैन परंपरा का निर्वाहन करने वाले प्रियजनों को जगाते हुए कहते हैं, हम गर्व के साथ कहते हैं, जिन आचार्य मुनि जैन परम पूज्य श्री पुलक सागर जी महाराज के हम बगल में बैठे, उनके पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पुष्प दंत जी महाराज जी के शरण में बैठे हैं, इन्होंने, यह वो महात्मा है जिन्होंने कच्चा और इच्छा दोनों को त्याग करके जैन की महानता को बढ़ाया। इसलिए मेरे प्रियजनों और मेरे पागलों और मेरे आत्मियों, एक बात तुम स्मरण रखना, बहुत सावधानी पूर्वक हम तुमको समझाने के लिए नहीं, अपनी वार्ता को कहने चले आए हैं। मेरे प्रियजनों, साधु बनना बहुत सरल है, मुनि बनना बहुत सरल है, पर मुनि बने रहना बहुत कठिन है। मुनि होना बहुत सरल है, वस्त्र त्याज कर लिया, केश लोचन कर लिया, यह हमारा भारत है, यह सनातन की सौंदर्यता है, जहां केश लोचन की परंपरा को हम सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ देखते हैं, दर्शन करते हैं। और मेरे पागलों,
जो जैनों के ऊपर, जैन परंपरा के और मुनियों के ऊपर हंसते हैं, उंगली उठाते हैं, कवाड़ियो निकम्मा, तुम्हें खबर भी है जब तुम मां की कोख से पैदा होते हो तो तब तुम्हारा यही रूप होता है। बहुत से लोग जैन महात्माओं पर उंगली उठाते हैं। एक आदमी हमको मिला, अब ये नहीं बताएंगे कि वो तुम्हारे बीच का था, क्योंकि हमें 2 घंटा टिकना भी है, वापस भी जाना है, इसलिए हम तुमको नहीं कहेंगे कि आप लोगों के बीच का था। हमारा चेला चंगीलाल, तो हमारा एक चेला चंगीलाल, वो हमको मिला। ये क्या पागलपन है, कपड़े त्याग कर समाज में घूम रहे हैं, ऐसे रहने में अच्छा है क्या? हमने कहा ठटरी के बरे नकटा आगी के लगे, गलती तूने की। वो कह रहा ये गलती कर रहे, समाज को नंगा कर रहे। हमने कहा ठटरी के बरे गलती तू कर रहा है, तू नंगा आया था, तूने कपड़े पहन लिए हैं। ये तो वास्तविक शाश्वत रूप का परिचय करा रहे हैं, ये तो वास्तविक मूल तत्व का परिचय करा रहे हैं, ये तो वास्तविक तत्व ब्रह्म का परिचय करा रहे हैं, ये तो पंच तत्व का परिचय करा रहे हैं, ये पंच कल्याण परंपरा का निर्वाहन करवा रहे हैं, और यह आत्मा से परमात्मा के बीच में मिलने का जो पर्दा है, उस पर्दे को निकाल करके आत्मा और परमात्मा को एक करवाने का काम करवा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों और मेरे पागलों, हमारी बातें शायद किसी व्यक्ति के हृदय में ठेस पहुंचाए या किसी को बुरा लगे, बुरा लगे तो हाजमा की गोली खा लेना, क्योंकि हम तुम्हारे बुरे लगने के लिए या अच्छे लगने के लिए नहीं बोलते। हम सनातन को बचाने आए हैं, हम जैन परंपरा के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हमारे लिए जैन मुनि आदर हैं, आदर थे, आदर रहेंगे। हम उस सनातन धर्म से हैं जहां ऋषभ देव जी को भागवत में स्थान दिया हुआ है, और ये कहें तो बुरा लगेगा, ये भी कह सकते हम उस परंपरा से हैं जहां ऋषभ देव जी ने भागवत में स्थान लिया है। प्रथम तीर्थंकर, उनके सामने सिद्धियां खड़ी हुई, बड़ी बड़ी सिद्धियां आई। सिद्धियां तो तमाशा है, सिद्धियां तो भगवान के बीच में पड़ने वाली रोड़ा घुनघुना है। उन्होंने सोचा मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, स्वामी स्वामी सुनन लागे सो किस्मत उनकी फूटी। इसलिए उन्होंने सिद्धियों का परित्याग कर दिया और वहीं से एक परंपरा प्रारंभ हो गई जिसके बीच में हम आज बैठे हैं, सुगंधी भी ले रहे, साधना भी देख रहे, उपासना भी देख रहे, द्रवीभूत भी हो रहे, गदगद भी हो रहे, और हमारे जीवन काल का हम बोले कि महाराज जी की आज्ञा, और हमारे जीवन काल का ये प्रथम कार्यक्रम है जब हमने पूज्य आज द्वितीय कार्यक्रम, एक हमने उदयपुर में किया, उदयपुर में पूज्य महाराज जी के शरण में किया, द्वितीय ये हमारी सेवा, वाक्य सेवा, शरीर की सेवा, अब बाकी तो वैसे कमजोर हैं हर प्रकार से, तो आज द्वितीय हमारी ये सेवा है। लेकिन आज हम यहाँ आकर आप लोगों के भाव देखकर यही कहेंगे, जितने भी भारत के जैन परकर के लोग हैं, जैन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम जैन हो, तुम्हें गौरव होना चाहिए कि तुम जैन हो। और ये मुनि, ये महात्मा अपने लिए नहीं जीते, तुम्हारे लिए जीते हैं। यहां पर जिन शरणम तीर्थ बना करके इन्होंने, इन महात्माओं को क्या, जिन्होंने दिगंबर को ही अपना वस्त्र बना लिया, उनको क्या करना है? परम पूज्य आचार्य पूज्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने जिन शरणम तीर्थ बना करके पूरे विश्व को, लोगों को एक संदेशा दिया, मानवता का संदेशा, जैनों को संदेशा दिया कि आओ बैठो, एकजुट रहो, मानवता की मिसाल पेश करो। और मंदिर में भगवान है ये तो बहुत दूर की बात है, मन में भगवान है, मन मंदिर में, ये बहुत नजदीक की बात है। इसी को बताने के लिए जिन शरणम तीर्थ की स्थापना हुई है, जहां नवग्रह भी है, जहां पर पार्श्वनाथ भगवान भी विराजमान है, महावीर भगवान, अच्छा देखो एक नाम है महावीर, हम जिनके चेला उनका भी एक नाम महावीर विक्रम, और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चढ़ी नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं, उनकी उनका एक नाम है महावीर। जिन अच्छा महावीर का मतलब,
महान वीर जिनके सामने बड़े बड़े, अच्छा रामायण में तीन वीर हैं, लक्ष्मण जी वीर, राम जी रघुवीर, हनुमान जी महावीर। तो हमें तो कभी कभी महावीर नाम सुनकर के अपने महावीर याद आते हैं कि वही महावीर महावीर बन करके आए हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, ज्यादा बात नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार शुगर वाले को रसगुल्ला मिल जाते हैं तो वो रसगुल्ला नहीं छोड़ता, उसी प्रकार वक्ता को माइक मिल जाए तो वो माइक नहीं छोड़ता है, आदत होती है। तो इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, कई बार वरना धृष्टता हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के सभी हमारे प्रियजन जितने हैं, हम यही कहेंगे जिन सरनम धाम को तीर्थ घोषित किया जाए। और देवेंद्र जी हमारे बहुत प्रिय हैं, हम उनको पूज्य महाराज जी के भी बड़े लाडले हैं, यहाँ पहुंचेंगे भी वो शायद कल परसों में, कोई बता रहे थे हमको रास्ते में, और हम उन तक ये चर्चा पहुंचाएंगे। जिन शरणम पावन जो पंच कल्याण महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा, इसे तीर्थ स्थल घोषित किया जाए ताकि पवित्रता बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे और हम सबकी आस्था निष्ठा प्रबल रहे। आज इस महोत्सव में जितने भी अध्यक्ष, जो भी इंद्रायणी पद पर, सचिव पद पर विद्यमान है, जो भी इस परंपरा का निर्वाहन करने के लिए भगवान ने चुना, देखो जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठता है, लेकिन महावीर जिसे चुनते हैं वो यहां सत्संग में बैठता है। तो आप लोगों को भगवान पार्श्वनाथ ने चुना है, आप लोगों को भगवान महावीर ने चुना है, आप लोगों को भगवान प्रथम तीर्थंकर जी ने चुना है, इसलिए आप सौभाग्यशाली हो के यहां बैठे हो, वरना हो सकता था पगुआ के अड्डे पे बैठे होते। बुद्धि है वो तो कहीं भी लग जाती है, पर बुद्धि तुम्हारी शुद्धि है। कई लोगों की मति श्रीमती आने के बाद खराब हो जाती है, तुम्हारी नहीं है, अपनी मत समझना कि तुम अपनी पत्नी को देखने लगो। हाँ, तो यहां तो हम बचा लेंगे, घर पे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, घर पे आप अपने लेवल से बचना। इसलिए आप जितने भी प्रियजन हमारे परिवारजन हैं, आप सबको पुनः पुनः सीताराम। इस जिन शरणम पावन तीर्थ में आते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, गीत गाते रहो, नमोस्तु कहते रहो, जय जिनेन्द्र बोलते रहो और आते जाते बने रहो। कब हंसा करो, हंसाया करो, जिन शरणम तीर्थ तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। तो ये पावन तीर्थ बड़ा अद्भुत है। अब पूज महाराज जी के चरणों में पुनः नाक रगड़ के प्रणाम, क्योंकि हमको धाम पर पहुंचना है। वहां दरबार की हम 5 बजे की बोले आए थे, बहुत लोग बैठे थे, बोले गुरुजी कहाँ, हमने कहा बस अबे आए, अबे आए, अबे आए। खैर हम आए 2 मिनट 2 घंटा में होते हैं, ये दुनिया जानती है, उसमें कोई संदेह नहीं है, अपन साफ साफ बता देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और अब भूखे भजन ना हो गोपाला, हम तो सही सुबह से चल रहे, कुछ नहीं मिलो, हवाई जहाज में भी धरे थे आगे के लोगों सैंडविच चाउमीन, अरे हमके जी हटाओ, अपन हाथ तो सीधो साधो। तो हम जो है महाराज जी को प्रणाम कर रहे, और पूज्य महाराज जी गुरुजी के गुरुजी, पूज्य महाराज जी के गुरुजी आचार्य जी से प्रार्थना है कि अब कभी आपका प्रवास छतरपुर बागेश्वर धाम हो गए तो एक बार की यात्रा हमें वहाँ सेवा करने का और आहार के लिए हमको सेवा मिले, हम निवेदन कर सकते हैं। कृपा आपकी है, आपकी कृपा के अलावा कुछ होना नहीं। और हम बुंदेलखंडी हैं तो हमारा अधिकार ज्यादा बनता है, क्योंकि हम आप ही के जिला के हैं। महाराज जी का माइक चालू करो। जो कुछ भी आज कहा गया है, आनंदित हैं हम सब लोग। राज एक ही घर के 2 लोग यहाँ बैठे हैं, एक ही घर के हैं। इच्छा बहुत थी और आज वो पूर्ण हुई। मन चाह रहा था कि हम अपने छतरपुर से कुछ देख तो लें। आज छतरपुर का नाम रोशन नहीं, पूरे विश्व का नाम रोशन कर रहे हैं भारत के लिए। आज जो कुछ भी उन्होंने कहा है, बड़ी आत्मा के साथ कहा है, जिस आत्मीयता के साथ कहा है, आज सुनकर के मुझे भी ऐसा लगता है कि संत और संत में भेद ना रहा, संत और संत में भेद ना रहा। अरे पानी सागर में मिला तो एक हो गया, एक हो गए। अभी मैं इनको अपने साथ पकड़ के भीतर लेकर के जाऊंगा, मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा। अभी 1 मिनट खाली मेरे साथ चलना है, भगवान आपको आशीर्वाद जी। उठिए महाराज, देखिए बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था उनका, आज उन्हें देखकर यहां बैठकर ऐसा लग रहा है
कि राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ ना होए, जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ। आज ये मंडप धर्म में अध्यात्म में हो गया, एक चेतना का उन्होंने जागरण किया और कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ, जब तक ऐसे हृदय वाले संत इस धरती पर रहेंगे भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा। ये देश नेताओं से नहीं चलता है, ये देश संतों से चला करता है, साधु संतों से चला करता है।